एक बात बताओ बेटा, ये कब डिसाइड किया कि ये बनोगे? क्या? अरे मतलब ये नहीं कहते, गे कहते हैं। हाँ भाई, सेम थिंग। कब डिसाइड किया आपने? कब डिसाइड किया कि आप गे नहीं बनोगे? बेटा मम्मी पापा को पता वैसे? मेरा बाप ना लोहार है, तेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बोल दूंगा तू मुझसे प्यार करता है। मैं गलत फहमी हुई है। पापा क्या गलत फहमी? कार्तिक को जब मैंने पहली बार देखा था ना मम्मी, मेरी बड़ी हो गई थी। हैं? पुतलियां, आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना, वो अपने आंगन में फूट रहे हैं। जो तुम्हारे कमरे में गंदी गंदी सीढ़ियां होती थी ना, अमन वही देखा करता था। उन सीढ़ियों में लड़कियां होती थी, सिर्फ लड़कियां होती थी, नहीं लड़के भी होते थे उसमें, लड़के भी। दोस्तों, बहुत बीमार, उस बीमारी का नाम है होमोफोबिया। डॉल्बी बीमारी लगती है और इस बीमारी का कोनो इलाज नहीं। हमने तुम्हारे लिए कुसुम को चुना है। लड़की है। तुझे क्या लगता है, तेरे सातवें फेरे पर पिक्चर फ्रीज हो जाएगी? दी एंड, हैप्पी एंडिंग ना बेटा? सुहागराज से तेरा रोडी शुरू होगा। कर पाएगा टास्क, बनेगा रोडी? बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम। सुनो ना जी, हमें पटरी पे धकेल के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो? हाँ, बनूंगी मैं मदर इंडिया। मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है। हाँ, बाप तो बैटरी से चलते हैं। ये बीमारी इसके साथ वापस आएगी। आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो हर प्यार को नफरत से देखोगे क्या? तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से क्या फर्क पड़ता है? जो प्यार इनके दिमाग में फिट नहीं बैठता ना, उसको दबा देते हैं। पर ये हमारी लड़ाई है और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है। हक तेरी तो। रोज हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है जिंदगी में, पर जो लड़ाई परिवार के साथ होती है वो सारी लड़ाई में सबसे बड़ी और खतरनाक होती है। अर्जुन को ही देख लो। माथुर साहब का लौंडा, वो भी तुम्हारे गैंग में क्या? अरे महाभारत के अर्जुन की बात कर रहा है वकील साहब ये।